बच्चे देखो, हमने लोगों ने लास्ट ही क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को सारे पे ट्रिक्स बताई थी कि आप लोग कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम याद रख सकते हो, तो सबको याद हो गया था उसमें, तो आई गेस कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नहीं होगा जैसे ना कि डाउट। अब आ जाते हैं हम लोग लीफ पे, ठीक है। तो लीफ हमारे प्लांट का कैसा पार्ट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। लीफ एक ऐसा ऑर्गन है जो फोटोसिंथेसिस कराएगा, तो लीफ इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, राइट और नॉट? यस मैम, बिकॉज लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने का काम हमारे लीफ का प्रेजेंट होता है। ये मेरा स्टेम है, ये नीचे रूट्स हैं, ये लीफ है। जिस पॉइंट से लीफ ओरिजिनेट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड। एंड जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को पेटियोल। एंड लीफ का पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज लैमिना। लीफ के ऊपर से लाइंस लाइंस प्रेजेंट होती है, नहीं प्रेजेंट होती है? यस दीज आर मैम, नोन एज वेनलेट्स। हमारी लीफ के सेंटर में एक लाइन होती है, बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मिडरिब, ठीक है। एक लीफ यहां से ओरिजिनेट हो रही है, एक लीफ यहां से ओरिजिनेट हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स नोन एज इंटरनोड। लिखो इसको जल्दी से। डिस्टेंस दो नोड्स के बीच का, उसको बोलते हैं इंटरनोड। और लीव्स हमेशा कैसे अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती हैं? लीफ ऑलवेज इन एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर में कैसे, वो देखना। अभी लिखना मत, अभी समझ लो एक बार। मेरे पास ये लीफ है, स्टेम ऐसे ऊपर की साइड ग्रो करेगा या नहीं करेगा, और रूट ऐसे नीचे की साइड ग्रो करेगी, राइट और नॉट? यस अब जितनी भी मेरे पास ओल्ड लीव्स हैं वो तो नीचे की साइड रह जाएंगी, नहीं रह जाएंगी? और नई नई लीफ ऊपर की साइड ओरिजिनेट होती रहेंगी। यस मैम, तो इसका मतलब इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल अरेंजमेंट, जिसमें जितनी भी यंगर लीव्स हैं वो किधर हैं? टुवर्ड एपेक्स, एपेक्स की साइड है। और ओल्डर लीव्स टुवर्ड ग्राउंड या सॉयल या रूट्स, कुछ भी लिख लो। समझ में आया एक्रोपेटल अरेंजमेंट क्या होता है? एक्रोपेटल ऑर्डर यस मैम, नोट डाउन करो उसको जल्दी से सर। एपेक्स मतलब बेटा ऊपर वाला पॉइंट, स्टेम का टिप वाला पार्ट। मैम लेमिना की साइड वेनलेट्स, वेनलेट्स ओके। वेरी गुड।
ये MIDRIB लिखा है लास्ट में, बी है मिड रिब, MID मिड आर आई बी, कौन सा पार्ट है ये मिड वाली लाइन वाला पार्ट है, बीच वाली लाइन, और इसके साइड में जो लाइंस प्रेजेंट होती है वो ये दूसरे वाला है, ये बीच वाला मिड रिब, और मिड रिब के अंदर से जो वेनलेट्स निकलती है ना, दीज आर द वेनलेट्स, ऐसे ऐसे मतलब सेंटर वाला मिड रिब और साइड में जो ओरिजिनेट होती है दीज आर द वेनलेट्स. अब आ जाओ लीफ के अरेंजमेंट पे. अभी मैंने आपको बताया वेनलेट्स क्या होता है और मिडरिब क्या होता है. अब ये दोनों डायग्राम्स देखो. अब हम लोग देखेंगे कि हमारी जो लीफ है, लीफ के ऊपर वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या है या वेन्स का अरेंजमेंट क्या है, उसी को बोलते हैं हम आपका वेनेशन. सो व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स किसके ऊपर? ऑन लीफ लेमिना. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेनेशन. फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेटिकुलेट? रेटिकुलेट मींस नेटवर्क. एंड अनदर वन इज पैरेलल. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहां पे आपको नेटवर्क दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इफ यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो. ये देखो ऐसे एक नेटवर्क दिख रहा है, बट इन केस ऑफ पैरेलल इट विल बी पैरेलल लाइक दिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर. रेटिकुलेट वेनेशन ऑलवेज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स एंड पैरेलल वेनेशन ऑलवेज फाउंड इन मोनोकोट प्लांट्स. लिखो उसको जल्दी से. फिर आती है हम लोगों के पास टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स हमारे पास दो टाइप की हो सकती है. द फर्स्ट वन इज सिंपल लीव्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड लीव्स. अब हम समझेंगे इन दोनों लीव्स के बीच में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है. ये डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना. एक बार समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है इसको समझने में. सिंपल लीव्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक वो लीव्स जिनके अंदर इनसीजन या फिर कट एब्सेंट होगा. अब इनसीजन और कट का मतलब क्या होता है? मेरे पास ये लीफ है, लीफ के लेमिना के अंदर आपको कोई कट दिखाई दे रहा है? एकदम स्ट्रेट है हमारी पास लीफ, कोई कट नहीं है. और एक वो लीव्स जिनके अंदर इनसीजन या फिर कट प्रेजेंट होगा, बट वो कट कहां तक नहीं होगा? डू नॉट रीच अप टू मिड रिब. अब आप खुद सोचो, अगर मैंने अपनी लीव को कट किया कहीं भी पॉइंट से और वो कट मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, तो मेरी लीव एक ही लीव रहेगी? नहीं. ये देखो मैंने लीफ के अंदर ऐसे कट लगा दिए. कुछ इस टाइप की लीफ देखने के लिए मिलती है हम लोगों को या नहीं मिलती है? ऐसे कट्स लगाए इसके अंदर, लेकिन वो कट मिडरिब तक नहीं जा रहे हैं. अब अगर ये कट मिडरिब को टच करने लग जाए तो मेरी क्या लीफ एक सिंगल लीफ रह पाएगी? लीफ के अंदर क्या बन जाएंगे? छोटे छोटे लीफलेट्स बन जाएंगे लाइक दिस. जब कट मिडरिब को टच कर जाएंगे या फिर ऐसी बनेगी? अगर मैंने कट ऐसे लगाया तो ये वाली लीफ बनेगी, कट ऐसे लगाया
तो ये वाली लीफ बनेगी। इन दोनों का भी नाम होता है। पहली चीज, कंपाउंड लीव्स कौन सी लीव्स होंगे जिसके अंदर कट कहां तक रीच कर रहा है? अब मिडरिब। तो वी हैव टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। देखो, पाइनेटली एंड पाल्मेटली। पाइनेटली के अंदर आप कट देख रहे हो, कैसे दिख रहा है? छोटी छोटी वेनलेट्स दिख रही है, नहीं दिख रही है? और पाल्मेटली में भी वेनलेट्स है, लेकिन पाल्मेटली के अंदर अलग से पॉइंट क्या कि एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से सारे लीफलेट अरेंज है। ऑल लीफलेट्स एट सिंगल पॉइंट, लेकिन पाइनेटली में अलग अलग पॉइंट्स से अटैच है। अब इनके एग्जाम्पल्स लिख लो, सिंपल लीफ के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ। बेनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, पाइनेटली के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है नीम, रोज, एकेशिया। पाल्मेटली का सिल्क कॉटन एंड सिट्रस फ्रूट। डन, लिखो जल्दी से। हम इनकी एग्जांपल्स पर क्वेश्चन आते हैं क्या? आपको ऐसे दे देंगे कि व्हाट नीम, व्हाट टाइप ऑफ लीव्स फाउंड इन बनियन ट्री, या आगे जाके आप फैमिलीज पढ़ोगे, इन फैमिलीज के अंदर टर्म्स यूज करोगे आप, पाइनेटली पाल्मेटली। तो वहां पे अगर आप टर्म आएगा तो टर्म से आपको पता होना चाहिए पाइनेटली पाल्मेटली क्या होता है। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे तब आप लोगों को और बेटरली समझ में आ जाएगा। मैम, ये बैनियन सिंपल लीफ की एग्जांपल हाँ, बैनियन, पीपल और मैंगो तीनों के अंदर सिंपल है। सिंपल में इनसीजन एबसेंट भी हो सकता है और मिडरिब को टच नहीं भी कर, दोनों टाइप का पाया जा सकता है। है। ओके मैम, डन। मैम पाल्मेट्री लीफ की एग्जांपल्स पाल्मेटली के ये रहे, सिल्क कॉटन, सिट्रस फ्रूट, ये पाइनेटली के हैं, नीम, रोज एंड एकेशिया। क्या ओके मैम, ओके पेलमेंटली समझा दो एक बार। बेटा मैम पेलमेंटली लीव्स। एक बार आप इसको लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में ना डायग्राम है इसके। मैम हो गया, ये देखो, अब डायग्राम से समझ आ रहा है क्या? इस टाइप की लीफ कहीं पे दिखेंगे, सिंपल लीफ, दिस इज पाइनेटली, दिस वन इज आल्सो पाइनेटली, दिस वन इज पाइनेटली, पाल्मेटली इस टाइप के आपको दिखेंगे। आया समझ में? देखो कट कैसे है, इसमें ऐसे कट किया हुआ है लीफ को, और इसमें ऐसे कट किया हुआ है, यस तब लीफ फील्स बने। आया यू समझ में? यस मैम। अब आ जाओ लीफ के अंदर फाइलोटेक्सी। व्हाट इज फाइलोटेक्सी? फाइलोटेक्सी इज द
अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन प्लांट, या अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर लीफ का क्या अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट, फर्स्ट अरेंजमेंट में आप क्या देख रहे हो, एक नोड से दो लीफ अटैच है. अभी नोड टर्म तो सबको क्लियर है ना, व्हाट इज नोड? यस मैम. यस मैम. एक नोड से दो लीफ अटैच है, सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज अपोजिट. या फिर ऐसे भी देख सकते हो, एक लीफ के अपोजिट में दूसरी साइड अपोजिट में एक और लीफ प्रेजेंट है, दो लीव्स अपोजिटली प्रेजेंट है. एल्टरनेट, एक नोड से एक लीफ अटैच है एल्टरनेटली, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एल्टरनेट अरेंजमेंट. होल्ड के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है लीव्स का, मतलब एक सिंगल नोड से बहुत सारी लीफ अटैच है. ये देखो होल्ड, आ रहा है समझ? एग्जाम्पल लिख लो अब, अपोजिट लीव्स के एग्जाम्पल, बिकॉज क्वेश्चन जो आएगा वो एग्जाम्पल पे ही आएगा. अपोजिट का एग्जाम्पल है गुआवा, कैलोट्रॉपिस. कभी गुआवा का प्लांट देखना अपने आसपास अगर कहीं पे yes, होगा, उसका ये अरेंजमेंट है नहीं. अल्टरनेट yes, में देखना, कॉटन प्लांट का अरेंजमेंट देखना, कभी लेडी फिंगर का देखना, सनफ्लावर का देख लेना, चाइना रोज का देख लेना, अल्टरनेट ही मिलेगा. होल्ड अरेंजमेंट का सिर्फ एक एग्जांपल है एल्स्टोनिया. डायरेक्ट एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, एग्जांपल देके आपसे पूछ लेंगे इस प्लांट के अंदर कौन सी फाइलोटेक्सी है, या फिर अपोजिट फाइलोटेक्सी क्या होती है, अल्टरनेट क्या होती है, बता सकते हो इजीली. डायग्राम्स और अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम. मैम एग्जाम्पल सारे लर्न होने चाहिए जितने मैंने लिखे वो सिर्फ, या एनसीईआरटी में अगर इसके अलावा और कुछ दिया तो प्रायोरिटी एनसीईआरटी को रखोगे सबके सब. अब आ जाते हैं हम लोग लीफ के मॉडिफिकेशंस पे. हम लोगों ने रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ा था. रूट्स ने अपने आप को फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई कर लिया था, और गैसेस एक्सचेंज करने के लिए मॉडिफाई कर लिया था. लीफ्स ने सॉरी स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था. वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो करा रही थी, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम पढ़ा था. ऐसे लीफ क्यों पीछे रहे, लीफ बोलते हैं भाई हम भी मॉडिफिकेशन कराएंगे. लीफ के अंदर तीन पार्ट होते हैं अगर हमने अब तक थोड़ा सा सीखा है तो. एक तो हमारे पास लीफ का बेस वाला पार्ट, लीफ बेस है ना, एक उसका पेटियोल और एक उसका लैमिना, तीन ही तो पार्ट होते हैं. तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन भी इन तीनों के अंदर ही हो सकता है. लीफ बेस समझ रहे हो, जिस पॉइंट से लीफ अटैच्ड है, जिस पॉइंट से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, दैट वन इज लीफ बेस. पेटियोल वो स्टॉकलाइज स्ट्रक्चर, और लेमिना पूरा लीफ. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लीफ बेस के मॉडिफिकेशन. ये दोनों डायग्राम आपको जो दिख रहे हैं, इन डायग्राम्स में क्या दिखाया हुआ है, पहले डायग्राम में देख रहे हैं आप लीफ का जो बेस है वो थोड़ा स्वेलन अप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस मैम, स्वेलन अप हो गया है. तो इस स्वेलन अप लीफ बेस को हम बोलते हैं पल्वाइनस. आपकी इन चार्टी ने भी लिखा हुआ है ये स्वेलन लीफ बेस, दिस इज नोन एज पल्वाइनस. इसके एग्जाम्पल होते हैं पी, मटर, सोयाबीन एंड बीन. ठीक है, फिर आ जाओ दूसरा मॉडिफिकेशन पे. यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ बेस ने क्या किया है, अपने ऊपर बहुत सारी शीट्स बना ली है. दिख रही है आपको शीट, ये कवरिंग. कभी आपने ग्रास वगैरह प्लांट वाला देखा, उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, उनको निकालते भी हैं. देखा कभी ऐसा प्लांट, ग्रास देख लेना,
ग्रासेस के अंदर भी पाया जाता है। मेज का प्लांट देख लेना, उसके अंदर आपको ऐसे जो स्टेम पेटियोल वाला पार्ट होगा ना लीफ का, उसके बेस वाले पार्ट की कवरिंग्स उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, लीफ बेस क्या कर लेता है, फॉर्म्स अ शीथ अराउंड स्टेम, शीथ लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। और ये मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। क्रिएशन ऑफ लीफ बेस, फर्स्ट पुलवाइनस, सेकंड लीफ बेस शीथ अराउंड द स्टेम। पुलवाइनस के एग्जांपल लिख लेना, शीथ वाले के एग्जांपल मोनोकॉट लिख लेना बस। मैम, सेकंड वाला डायग्राम ड्रॉ करना है नहीं, ड्रॉ करने की जरूरत तो मैम नोट्स में क्या लिखना है? क्या बेटा, मैम फिर नोट्स में सेकंड वाले डायग्राम में से क्या लिखना है? ठीक मॉडिफिकेशन लिख लो, ये जो मैंने लाइन लिख के दिया ना, लीफ बेस फॉर्म शीट अराउंड स्टेम, इसका नाम नहीं होता कुछ भी, सिर्फ नॉर्मली बोले जाते हैं जो लीफ बेस और शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ओके मैम। मशंकर आने मैम, दो, 5 मिनट पहले ज्वाइन किया, इससे पहले आपने क्या पढ़ाया और चैप्टर कौन सा चल रहा है ये? बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास आपने लिया ही होगा, मैंने स्टेम के बारे में पढ़ाया था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आज मैं लीफ के बारे में पढ़ा रही हूँ, लीफ के क्या क्या मॉडिफिकेशन है। इससे पहले आपने एक भी लेक्चर अटेंड किया मॉर्फोलॉजी का? यस मैम। तो एक काम करना, 5 से 6 पेजेस छोड़ के जो मैं लिखवा रही हूँ वहीं से लिखना शुरू कर दो, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, बट हम लीफ वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ओके मैम। खुशबू बता बेटा। मैम ये लेबलिंग याद करनी होगी, क्या मैम ये लेबलिंग, इसकी ब्लेड शीट, ये सब। अच्छा, ब्लेड शीट? नहीं, ये याद, ये सब डन। यस मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब वो तो था लीफ बेस का मॉडिफिकेशन, अब है पेटियोल मॉडिफिकेशन। पेटियोल मॉडिफिकेशन में एक टर्म हम लोगों को पढ़ना है, पेटियोल अपने आप को मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं फाइलोड। फाइलोड कुछ नहीं होता, हमारे पास जो पेटियोल वाला पार्ट, पेटियोल तो सब समझते हैं ना क्या होता है। यस मैम। यस मैम। नहीं पता, जब आपका पेटियोल बिकम फ्लैश एंड फोटोसिंथेटिक। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। पेटियोल मॉडिफिकेशन है बेटा हमारे पास फाइलोड, व्हेन पेटियोल बिकम फ्लैशी एंड फोटोसिंथेटिक उसको बोलते हैं फाइलोड। और फोटोसिंथेटिक हो गया तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। लीफ ये ऊपर वाला पार्ट है, लीफ और पेटियोल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है ना देखो यहाँ पे, नो मैम। क्योंकि हमारे पास जो पेटियोल वाला पार्ट है ऐसे होता है, दिस वन पेटियोल, इस पेटियोल ने भी अपने आप को फ्लैशी और फोटोसिंथेटिक बना लिया ऐसे, जिसकी वजह से हम लीफ को पेटियोल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। और पेटियोल वाला पार्ट भी फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। हमें फाइलोड क्या होता है? बेटा फाइलोड इस जब पेटियोल फ्लैशी और फोटोसिंथेटिक बन जाता है ना, उस पेटियोल को फाइलोड बोलता है। ओके मैम। फ्लैशी मतलब फ्लैशी का मतलब होता है बहुत स्वेलन अप स्ट्रक्चर, स्वेल अप हो जाए अपने अंदर कुछ चीज, एड ऑन करके स्टोर करके। टाइप मैम, आपने किसके एक होता है, एग्जांपल दिए?
ड्राई फ्रूट्स होता है, एक फ्लैशी फ्रूट्स होता है, वो जूसी जूसी टाइप के। मैंगो ड्राई फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है? मैंगो फ्लैशी फ्रूट है ना, हाँ ना? ऐसे ही एक फ्लैशी हो रहा है। ओके मैम, मैम एक बार और ये प्लांट बता देंगी, कौन सा प्लांट? ये प्लांट है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। डन। फिर आता है हमारी जो लीफ होती है, कहीं कहीं पे अपने आप को मॉडिफाई करके स्पाइन्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पाइन समझते हो, कांटे? यस मैम, कैक्टस मैम। यस मैम। तो लीफ के ये भी एक मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल ओपन्टिया। लिखो इसको भी। मैम कैक्टस में भी तो होता है। हाँ कैक्टस में भी होता है। हाँ मैम एक बार ये पॉइंट दोबारा बता दो, नेटवर्क इश्यू हो गया था। जहां पे सृष्टि लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके कांटे लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, स्पाइंस बना लेती है, तो ये भी तो एक मॉडिफिकेशन है लीफ का। उस वो कौन सा एग्जांपल है? वो प्लांट का नाम है ओपन्टिया। हो गया एंड मैम। बच्चों अब एक और चीज किया जाएगा। ऐसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो अभी लाइक ना आप लोगों को, अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, ये अब जो आप लोगों की 1.5 घंटे की क्लासेस चलते हैं 3 घंटे का, तो बच्चों की साइड से रिस्पॉन्स आ रहा है कि आईज में पेन होने लग जाता है या फिर डेटा फिनिश हो जाता है लास्ट क्लास तक आते आते। आप लोगों को भी ऐसे कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं क्या? जाता है। ये लेना, हम लोगों ने मतलब ये चीज डिसाइड किया है कि हम लोग क्लास का स्ट्रेंथ जब तक आप लोगों के स्कूल्स नहीं खुलते हैं, बिकॉज हम लोगों का सिलेबस वैसे भी ऑन ट्रैक चल रहा है अभी, तो 1-1 आवर की क्लासेस टीचर्स आपका लिया करेंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि वो कहीं और पे ट्यूशंस ले रहा है, जैसे इस बैच में भी कुछ स्टूडेंट है जो डेली क्लासेस में नहीं आते, तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों को डेली दो दो क्लासेस नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्लास चाहिए, तो हम लोग एक ऐसा बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी डेली एक क्लास हुआ करेगी, सिर्फ रात को 9 से 10। लेकिन ये ध्यान रखना उसमें टीचर मैं नहीं रहूंगी, उसमें टीचर कोई और हो, टीचर चेंज हो जाएंगे वहां पे आप। मैम मतलब हमें तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं मिलेंगी अगर हम वो बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो? अगर वो बैच ज्वाइन कर लोगे तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, लेकिन डेली एक सब्जेक्ट की एक क्लास होगी। जैसे आज बायो की क्लास हुई 1 घंटा, कल फिजिक्स हो जाएगा, परसों केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर अगेन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे होगा। मैम यही सही है। यस मैम यही सही है। इसी का ही हम थोड़ा सा बस काउंट कम कर देंगे, जैसे 1.5 घंटे का होता है, तो आप लोगों, आप सपोज मैं आप लोगों को 8 बजे छोड़ती हूँ, तो 8 बजे छोड़ने में ऐसा रहता है ना कि आप लोगों को नेक्स्ट 15 मिनट से पहले ही आप लोगों को दूसरी क्लास के लिए लॉग इन करना होता है। यस उसमें हम लोग, यस उसमें आप लोगों को टाइम गैप हम दे दिया करेंगे, हम लोग क्लास को 7:30 के अराउंड ड्रॉप कर देंगे, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट 1/2 आवर मिल जाए रिलैक्स करने के लिए, आईज को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाया करेगा आप लोगों का। ये हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं, ठीक है? मैम हमें टीचर चेंज नहीं हाँ करना क्योंकि यही टीचर अच्छे हैं। हाँ तो टीचर्स चेंज नहीं करना है, तो हम आप लोगों का थोड़ा सा काउंट कम कर देंगे, बिकॉज डेटा वाली प्रॉब्लम बहुत आ रही है बच्चों की साइड से। एंड वाली क्लास जो होती है, लास्ट वाली क्लास, उसमें बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम डेटा फिनिश हो गया, जल्दी क्लास फिनिश कर दो। यस मैम। आप लोग भी बोलते होंगे, बिकॉज मोस्टली आप लोगों के साथ तो अभी मेरी क्लास 6:30 होती है मैक्सिममली, है ना? यस 8:30 वाली क्लास में बच्चों का ये डाउट आता है, तो वो वाले टीचर्स ने काफी कंप्लेन किया इस चीज को, कि जो पहले वाले टीचर्स होंगे वो अपने क्लास का थोड़ा काउंट कम कर देंगे। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये मॉडिफिकेशन, इस टाइप के प्लांट्स देखे हैं कहीं पे? यस मैम, पिक्चर प्लांट इनको बोलते हैं, पिक्चर प्लांट्स। वेरी गुड। या फिर हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोल देते हैं। इन प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, लीफ का ही तो मॉडिफिकेशन है, एक लीफ ने अपने आप को मॉडिफाई करके एक इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना लिया है। क्या किया है?
लीफ मॉडिफाई टू फॉर्म इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल याद रखना है निपेंथीज या पिचर प्लांट, इसी को एक और नाम दे देते हैं हम लोग निपेंथीज. ये एग्जाम्पल बच्चों याद रखना है. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल होता है ब्लैडर वॉर्ट. एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप, संडियो कोबरा प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. अगर क्वेश्चन आएगा इन तीन के अंदर से ही आ जाएगा. देखो जल्दी से, पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट हम उनको बोलते हैं जिसके अंदर लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर बना लेती है. एग्जाम्पल निपेंथीज, गार्डर वॉर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप. मैम हो गया. चलो इतना हम लोगों का डन, मतलब लीफ वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया. अब तक हम रूट पढ़ चुके हैं, स्टेम पढ़ चुके हैं, लीफ पढ़ चुके हैं. अब क्या बचता है हमारे पास? फ्लावर. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आती है मेरे पास इनफ्लोरेसेंस. व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस? हम लोगों ने देखा कि लीफ स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज था, उसको क्या बोलते थे? फाइलोटेक्सिना. यस, अरेंजमेंट ऑफ लीफ. अब हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस. कि फ्लावर कैसे अरेंज है. अब एक सिंपल सी चीज समझो, पहले ये मेरे पास स्टेम है, ये लीफ है. इस पार्ट को हम क्या बोलते थे? पेटियोल, है ना? यस मैम. ये मेरे पास फ्लावर है, इसको क्या बोलेंगे फिर? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से मेरा फ्लावर अटैच होगा. दिस इज नोन एज पेडंकल. PEDUNCLE, पेडंकल. दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से मेरे फ्लावर्स अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं पेडंकल. तो फ्लावर के अंदर दो अरेंजमेंट पाए जाते हैं, रेसिमोज एंड साइमोज. बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके, डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इनफ्लोरेसेंस. ध्यान से डायग्राम देखना पहले. डायग्राम में आपको कुछ कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है. यस मैम. और ये वाला कैसे देखने के लिए मिल रहा है? फोल्ड, राइट और नॉट? अल्टरनेट अभी पढ़ा है. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा और डीपली बताऊं, तो ये मेरे पास स्टेम है. इस वाले प्लांट में स्टेम की टिप पे कोई फ्लावर नहीं है ना? नो मैम. इसकी जो स्टेम है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर सकती है जब तक चाहे. लेकिन इस वाले प्लांट के अंदर टिप पे फ्लावर आ गया है, तो अब स्टेम ग्रो नहीं कर पाएगी. अब स्टेम कहाँ से ग्रो करेगी? नीचे की साइड से ग्रो करेगी सिर्फ ऐसे. तो इसका मतलब ये वाला जो प्लांट है, ये ओल्ड फ्लावर, ये हमेशा ऊपर की साइड रहेगा. ओल्ड फ्लावर ऊपर की साइड रहेंगे, नए फ्लावर ग्राउंड की साइड रहेंगे, नहीं रहेंगे? यस मैम. और रेसेमोज में क्या होगा? ओल्ड फ्लावर ऊपर की साइड, यंग फ्लावर ऊपर की साइड रहेंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे की साइड रहेंगे, है ना? वेरी गुड. अब इसी बेसिस पर डिफरेंस समझो यहाँ पे. रेसेमोज और साइमोज में क्या डिफरेंस है? रेसेमोज का जो मेन एक्सेस है स्टेम, हमेशा ग्रो करेगा क्योंकि टिप पे कोई फ्लावर नहीं है. साइमोज में टर्मिनेट हो जाएगी उसकी ग्रोथ क्योंकि फ्लावर आ गया है. ग्रोथ इसीलिए यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड है, समझ में? रेसेमोज के अंदर फ्लावर कैसा अरेंजमेंट दिखा रहे हैं? एक्रोपेटल दिखाया था ना पहले, लीफ का एक्रोपेटल होता है. यंगर लीव्स एपेक्स की साइड, ओल्डर लीव ग्राउंड की साइड. और बेसिपेटल में क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, यंगर ग्राउंड की साइड और ओल्डर एपेक्स की साइड, राइट और नॉट? रेसिमोज में कभी भी फ्लावर की ग्रुपिंग हो पाएगी या नहीं?
ग्रुप्स बना पाएंगे, फ्लावर नहीं बना पाएंगे, बिकॉज अल्टरनेट है. यहाँ पे फ्लावर की ग्रुपिंग हो सकती है. यस मैम. एक ही पॉइंट से अटैच्ड है, वही लिख दिया इन्होंने. जहाँ पे फ्लावर की ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर इज लेस कॉमन, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हो. ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं सेंट्री पेटल, जहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर हो सकती है. अरेंजमेंट इसी टाइप का है तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजल. जिसके अंदर ग्रुपिंग नहीं हो सकता सेंट्री पेटल, जिसके अंदर ग्रुपिंग हो सकता है सेंट्रीफ्यूजल. डन. एग्जाम्पल सीख लो अब इनके. रेसेमोस का एग्जाम्पल लिखो. मटर, बीन, मेज. साइनोस का एग्जाम्पल जैस्मीन, टमाटो. इस डिफरेंस को लिखो विद एग्जाम्पल्स. मैम एक बार और बता दो, एक्रोपेटल और बेसी पेटल. एक्रोपेटल के अंदर क्या होता है बेटा, जो मेरी यंगर लीव्स होती है, नई बनने वाली लीव्स होती है. जैसे डायग्राम में देखो, ये स्टेम ऊपर की साइड ग्रो करती चली जाएगी, यंगर लीव्स नीचे की साइड रह जाएंगी और स्टेम ऊपर की साइड ग्रो करेगी. तो नए फ्लावर्स ऊपर की साइड आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर साइड ग्रो कर रहा है. तो यंगर हमेशा एपेक्स की साइड रहेंगे और ओल्डर ग्राउंड की साइड शिफ्ट होते चले जाएंगे. बट साइमोज में नीचे से ग्रोथ होगी, ऊपर वाले पार्ट की तो ग्रोथ नहीं होगी, ये ऊपर वाला शिफ्ट होता रहेगा ऊपर की साइड, है ना. जब नीचे से कोई किसी की हाइट बढ़ेगी, ऊपर वाला पार्ट ऊपर की साइड शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्रोथ नहीं होगी. तो इसका मतलब ओल्डर वाले एपेक्स, यंगर वाले ग्राउंड पे. ओके मैम. नहीं समझ में आया तो बता दो, और एग्जांपल्स लेके मैं समझा सकती हूँ. मैम आगे समझ. चलो डिफरेंस दिखा दो. डिफरेंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे लिख ही लो साथ साथ, बाद का काम मत. अच्छा कल के टेस्ट में क्वेश्चंस तो बताओ कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे. कोई ऐसा क्वेश्चन था जो ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा, मैम ने नहीं पढ़ाया हुआ? मैम एक दो क्वेश्चन लगे थे पर मुझे लगा मैंने ही नहीं पढ़ रखा शायद. आयो था ऐसे कोई क्वेश्चन? मैम सही थे सारे क्वेश्चन, दो तीन गलत हो गए. गलत क्यों हुए? रीजन पता किया गलत क्यों हुए वो क्वेश्चन? मैम समझने में गलती हो गई बेटा. जब पता ना, टेस्ट देने का फायदा तभी होता है. टेस्ट का मतलब ये नहीं होता हमने टेस्ट दे दिया और टेस्ट देने के बाद मार्क्स आ गए, मार्क्स कम आए तो मैंने ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, है ना. और मार्क्स सही आए तो उसी वे में हम लोग कंटिन्यू करते रहे. मार्क्स अगर एक भी नंबर अगर कट रहा है आप लोगों का, तो उसके पीछे का रीजन पता किया करो कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत क्यों किया. उस टाइम पे मेरे माइंड में क्या थॉट आया था इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. अगर ऐसे एनालाइज करोगे ना अपनी मिस्टेक्स को, तो वो जो मिस्टेक्स जिस टॉपिक में मिस्टेक किया है ना, वो टॉपिक हमेशा याद रहता है फिर हम लोगों को. क्योंकि बोलते हैं ना, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उन गलतियों को हम कभी रिपीट नहीं करते पूरी लाइफ टाइम. ऐसे टेस्ट देते चले जाओ, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करते चले जाओ, सब हमेशा याद रहेगा. सारे टॉपिक्स में कभी ना कभी गलतियां करोगे करोगे. बेटा वाटर के ऊपर ब्रायोफाइट डिपेंड करता है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन.
एपेक्स का मतलब होता है बेटा, एपेक्स मतलब स्काई की तरफ, ऊपर की साइड वाला पार्ट। जैसे हमारा हेड एपेक्स है, हमारे फुट बेस है। पर मैम यही आंसर किया तो गलत आया, बाकी सबका भी गलत आया था। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। आई डोंट नो गलत भाई, सबका गलत आया। यस मैम, मैं एक बार चेक करूंगी फिर पेपर, बिकॉज पेपर जो होता है ना वो दूसरी टीम बनाते हैं, पेपर लेने का, टेस्ट कराने का, कंडक्ट कराने का काम दूसरी टीम का होता है। हम लोगों का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, हमें सिर्फ सिलेबस दे देते हैं हम लोग, ये टॉपिक से आप टेस्ट बना के बच्चों का टेस्ट ले लो। फिर भी मैं एक बार ना पेपर उन लोगों से लेके चेक कर लूंगी। चलो इतना हम लोगों का हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग फ्लावर के ऊपर। फ्लावर में बच्चों हम लोगों एक चीज पढ़ के आता है, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं थोड़ा। देखो अभी सिर्फ समझ लेना अच्छे से, ठीक है, लिखना सब बात। ये क्या है? फ्लावर। फ्लावर का कलर्ड पार्ट इज नोन एज पेटल्स, ठीक है। पेटल्स इज ऑल्सो नोन एज कोरोला। नीचे जो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज सेपल्स, कैलिक्स, ठीक है। जो मेरी पेटल्स और सेपल्स हैं, ये दोनों मेरी फ्लावर के नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ये वाले जो पार्ट्स हैं, दिस इज ना एंड्रोशियम एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टेमन। ये दो पार्ट्स से मिलके बना है, जिसका ऊपर वाला पार्ट है ये बाइलोब स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एंथर। और ये नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज फिलामेंट। फिर ये सेंटर वाला पूरा पार्ट, दिस इज गाइनोशियम, ऑल्सो नोन एज पिस्टल, ऑल्सो नोन एज कार्पल। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। ये नेक लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल। और ये नीचे स्वलन पार्ट इज ओवरी। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। अब किसी फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे पेटल्स है, और सारे के सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, उसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे? बहुत सारे पेटल्स है और सारे के सारे फ्यूज्ड है। सिनियको, सिन, सिन का मतलब क्या होता है? या फिर सिन मत लिखो, इसको आप गैमो लिख लो। दिस इज नोन एज गैमो पेटलस।
अगर बहुत सारी पेटल्स हैं और सारी की सारी पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, दिस इज नोन एज गैमोपेटलस। लेकिन बहुत सारी पेटल्स हैं और फ्री पेटल्स हैं, पेटल्स फ्री हैं, तो फ्री पेटल्स के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? पोली पेटलस। अलग अलग होंगी ना, फ्री है तो बहुत सारी अलग अलग दिखेंगी हो। सेम सेपल के लिए टर्म यूज करेंगे गैमोसेपेलस और पोलीसेपेलस। सेम एंड्रोशियम के लिए बहुत सारी एंड्रोशियम होंगे, बहुत सारे स्टैमंस होंगे, सारे के सारे फ्री होंगे, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे पोली एंड्रस। बहुत सारे स्टेमन होंगे जो फ्यूज्ड होंगे आपस में, उसके लिए टर्म यूज करेंगे सिन एंड्रस। सिन एंड्रस कब? फ्यूज्ड के लिए। पोली में फ्री। कार्पल के लिए कैसे यूज करेंगे बच्चों? कार्पल्स के लिए फ्री होंगे तो पोली कार्पलस, और फ्यूज होंगे तो कार्पलस। सिन कार्पस या सिन कार्पलस, लिखो इसको जल्दी जल्दी से। मैम समझ नहीं आया, पॉली कार्पलस सेमी कार्पलस। देखो बेटा, बहुत सारे कार्पल्स होंगे, एक फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर जरूरी है कि एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? अगर बहुत सारे कार्पल हैं और वो सारे के सारे अलग अलग हैं, अलग अलग का मतलब होता है कि आप देख के बता पा रहे हो कि यहाँ पे फाइव है, फोर है, थ्री है, काउंट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो सारे के सारे अलग अलग है। तो अलग अलग केस में हम बोलते हैं कि सारे के सारे कार्पल्स क्या है? फ्री है, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे पॉलीकार्पस या पॉलीकार्पस। और बहुत सारे कार्पल्स हैं, उनको आप वन बाय वन करके काउंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं सब के सब, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सिनकार्पस। सेम एंड्रोशियम के लिए, बहुत सारे एंड्रोशियम है, आपस में अटैच्ड है, सबके सब फ्यूज्ड है, सिनेंड्रस। अलग अलग है, काउंट कर पा रहे हैं वो, पोलिएंड्रस। सेम पेटल के लिए, अलग अलग है पॉलीपेटलस, फ्यूज्ड है, आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, गैमोपेटलस। सेम फॉर सेपल्स। मैम एंड्रोशियम जो उसके स्पेलिंग को कहते हैं ना, एंड्रोशियम इस पूरे पार्ट को बोलता है बेटा, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं, या फिर उसी को स्टेमन भी बोल देते हैं। उसके अंदर दो पार्ट है, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट जो बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं, और नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है? ये यस। बाइलोब स्ट्रक्चर है, फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक ओके मैम, वो लिखा नहीं था अभी। अरे वो स्लाइड तो डिलीट हो गई होगी, मैंने ब्लैंक स्लाइड ऐड किया था। वो किसी ने लिख लिया था? मैम आधार लिखा था। यस मैम। मैम पीडीएफ में तो मिल जाएगी ना? हाँ पीडीएफ में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा पीडीएफ में, बट जिस वे में मैंने समझाया उस वे में नहीं मिलेगा। देखो मैं बता देती हूँ, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में एक ही स्लाइड में लिख दिया, ये सारे पार्ट्स लिखे हुए देखो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम, ऑल्सो नोन एज कार्पल पिस्टल, पैटल को कोरोला, एंड्रोशियम को स्टैमन, नीचे सेपल को कैलिक्स, और नीचे पेडंकल। मैं वो फ्यूज्ड और वो फ्री वाला, हाँ वो वाला भी दिखाती हूँ, वो वाला भी दिखाती हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना वहां पे। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से बताए? सेपल और पेटल। रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम गाइनोशियम, एंड्रोशियम इज ऑल्सो नोन एज स्टैमेन। स्टैमन, गाइनोशियम इज पिस्टल या फिर कार्पल। यस एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर ये रही, ऊपर वाला पार्ट एंथर, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है? ये ऊपर यहाँ पे दिस इज स्टिग्मा,
नीचे नेक वाला पार्ट स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर अगर ये चारों फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, सेपल भी होगा, पेटल भी होगा, एंड्रोशम भी होगा, गायनोशम भी होगा, तो उस फ्लावर को बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर किसी के अंदर इनमें से कोई पार्ट एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर जिसके अंदर चारों के चारों होल्स प्रेजेंट होंगे, दिस वन इज कंप्लीट। जिसके अंदर कोई भी एक एब्सेंट होगा वो इनकम्प्लीट। एक भी एब्सेंट हो सकता है, एक से ज्यादा भी एब्सेंट हो सकता है। और सी का मतलब क्या था? इसका के और सी का, अच्छा के और सी, हाँ हाँ ये भी देख लो। कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, कैलिक्स बिकॉज आगे जाके ना हम लोग उनको शॉर्ट वे में बढ़ेंगे, तो कैलिक्स को हमेशा याद रखना के से, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को कैपिटल ए से, गायनोशियम को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन। ओके मैम, हम ये लिखना है ना? हाँ लिख लो। ये ऊपर वाला तो सारा डायग्राम में लिखवा दिया था मैंने आपको, नीचे वाला लिख लो और साथ ही साथ वहीं पे रिप्रेजेंटेशन भी लिख डालना उनके। डन मैम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे फ्लावर के अंदर अगर तीन पेटल्स प्रेजेंट है, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो, अगर तीन पेटल्स होंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ट्राईमेरस। चार होंगी तो टेट्रामेरस, फाइव के केस में पेंटामेरस। दिस टर्म्स आर फॉर पेटल्स, तीन पेटल ट्राईमेरस, चार टेट्रा। हाँ जी मैम, फाइव से ज्यादा भी होती है? फाइव से ज्यादा भी हो सकती हैं, उसको हम मल्टी मैरस बोल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ना, मतलब जितना हम लोगों को याद रखना पड़ता है वो पेंटा मैरस तक ही हम एग्जांपल्स याद करते हैं, बट होती फाइव से ज्यादा भी है। ओके, और मैम दो भी तो होती होंगी तो उसे क्या बोलते होंगे? के केस में बेटा, दो के केस में हम लोग डाई मैरस बोल देंगे उसको, एक के केस में मोनो मैरस बोल देंगे। यस मैम, पहले ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस लिख लो, फिर जो साइड में लिखा हुआ वो बता दो। हम 2 मिनट
मैम हो गया। डन मैम। देखो अब कुछ फ्लावर बच्चों हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर, देखो मैंने सेपल्स आपको पता है छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेटल्स कलरफुल पार्ट होता है। कुछ प्लांट्स में सेपल और पेटल दोनों की दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होके एक नई लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम नाम देते हैं टेपल। सेपल पेटल मिलके क्या बनाती है? टेपल। जैसे सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। पेटल के ग्रुप को कोरोला। ऐसे ही टेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पेरियंथ। दिस इज नोन एज पेरियंथ। और ऐसे फ्लावर को जिसके अंदर सेपल और पेटल ने मिलके टेपल बना लिया है, एक ही टाइप की लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं मोनोक्लेमाइडिशियस। मोनोक्लेमाइडिशियस ऐसी फैमिली का नाम होता है लिलिएसी। बहुत क्वेश्चन आता है इस पूरे चैप्टर में, अगर आप पूछो ना मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो पेरियंथ ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे चैप्टर से मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन पेरियंथ पे मिलेगा ही मिलेगा गारंटेड, और एक क्वेश्चन वो अल्टरनेट अपोजिट और होल्ड वाले पे आता है, और एक क्वेश्चन इसके सबसे एंड में फ्लोरल फॉर्मूले पे आता है। 3 क्वेश्चन, 2 या 3, और टॉपिक्स भी फिक्स है। नीट की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल में तो आपको पता है टीचर का जहां से मन करेगा वो वहां से बना देंगे, स्कूल की गारंटी नहीं ले सकती बट नीट की ले सकती हूँ मैं। अभी आप बोलो नहीं मैम स्कूल में तो ऐसे नहीं, ऐसे आ गए क्वेश्चन। मैम फिर स्कूल में कैसे करेंगे? मैम स्कूल के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्कूल के लिए एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो करना। कुछ चीजें यहाँ पे मेरे नोट्स में आपको ऐसी भी मिलेंगी जो टर्म्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट वो नीट में आता है। थ्योरी वाले नोट्स स्कूल के लिए? स्कूल के लिए बेटा प्रॉपर एनसीईआरटी फॉलो करो, पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि अब सपोज करो देखो यहाँ पे ट्राइमेरस टेट्रामेरस की पूरी पूरी डेफिनेशन अगर आपको लिखवाने लग गई, मैं आप लोगों को नोट शेयर कर दूंगी, काम करूंगी, पूरे थ्योरी वाले नोट्स शेयर कर दूंगी मैं आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एमए लिखेंगे तो थ्योरी वाली बहुत ज्यादा बात। टाइम जाएगा। क्या आयुष? मैम मैं थ्योरी वाली बनाता हूँ नोट्स। थ्योरी वाले नहीं बनाते, बहुत बच्चे होते हैं जैसे मैंने बोला ट्राइमेरस के अंदर 3 लीव्स होती हैं तो फटाफट से उन्होंने डेफिनेशन बना के लिख लिया होगा, टेट्रामेरस के अंदर 4 यस होती मैम है ऐसे तो ही। डेफिनेशन बना के लिख लेते हैं, ऐसे बन जाते थ्योरी वाले नोट। नहीं तो मैं नोट शेयर कर दूंगी अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है? बिकॉज अगर नोटबुक में मैम सिर्फ ऐसे ही किया। ट्राइमेरस लिखा होगा तो समझ नहीं आएगा, अभी तो समझ आ जाएगा ट्राइमेरस, 2-3 दिन तक याद रहेगा, फिर इन्हीं नोट्स को जब आप 12th में जाके पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा भाई ट्राइमेरस क्या होता है। या तो उसके नीचे डायग्राम बना लो 3 पेटल्स वाला, या फिर डेफिनेशन लिख लो, और सबसे बेस्ट रहता है डायग्राम बनाना, क्योंकि 3 पेटल्स लिख लिया। हाँ 3 पेटल्स जो मतलब जिस वे में आपको समझ आ जाए, सिर्फ इतना ध्यान रखा करो कि क्लास में जो जो चीजें मैम ने बताई कि एक वर्ड आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ये नहीं कि बस ये तो मैंने समझ लिया ये नहीं मैं लिखूंगी, हर एक चीज छोटी से छोटी चीज लिखा करो, तभी आप लोग जब रिवीजन करोगे ना आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा, ये तो भूल जाओगे आधी चीजें, ठीक है? ओके मैम। ये वाला केस लिख लिया, सेपल पेटल फ्यूज करके टेपल बनाते हैं, बहुत सारे टेपल्स मिलके पेरियन, दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स नॉन एज मोनोक्लेमाइडिशियस, फैमिली होती है लिलियस, लिली फ्लावर जो आपने देखा होगा। अब आ जाओ सिमेट्री पे, ये लास्ट पढ़ते हैं आज का टॉपिक, हम एनिमल किंगडम की सिमेट्री सबको याद है, यस मैम। सिमेट्री है, अगर हम अपने फ्लावर को किसी भी प्लेन डाले, दो पार्ट्स इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज ए सिमेट्रिक फ्लावर, सी वाला डायग्राम देख लो, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक प्लेन डालने से दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, दिस इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। वो फ्लावर जिसको कहीं से भी प्लेन डालो सेंटर से जाने वाला, दिस इज नॉन एज रेडियल सिमेट्री एंड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल, और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल से, जाइगोमॉर्फिक को परसेंटेज से, ए सिमेट्रिक का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और एक और सेकेंड, पेरियंथ को लिखते हैं कैपिटल टी से,
पेरियंथ को कैपिटल पिक्सल लिख रहे उसको। सी वाला कैसे बताया बेटा? ऐसे है कि आपके फ्लावर के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी कट करो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं। ओके मैम। मैम इनको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे और डायगोमॉर्फिक भी? दोबारा बोलो। मैम इनको बायलेटरल भी बोलेंगे और डायगोमॉर्फिक भी? बायलेटरल भी बोलेंगे, जायगोमॉर्फिक भी, रेडियल वाले को एक्टिनोमॉर्फिक भी। ओके मैम। मैम चाइना रोज के नीचे क्या दिख रहा है? कॉटन। मैं तब तक अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों का। क्लास में यस मैम बोलेंगे सब। प्राची एब्सेंट। हुस्नवाज यस मैम। आयुष यस मैम। निष्ठा तनिष्का चौधरी चेतना यस मैम। कनिष्का मैम कनिष्का या कनिष्का? सिर्फ कनिष्का। कनिष्का नो। महक गुप्ता यस मैम। स्नेहा वर्मा ट्रस्टी सिंह यस मैम। कृष्णा निष्ठा बोरा ज्योति मनीषा कुमारी प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम ज्योति प्रेजेंट है? यस मैम। मनीषा प्रेजेंट। तनिष्का तनिष्का दक्ष निधि निधि रिया पुष्कर रिया पुष्कर यस मैम। आकांक्षा प्रजापति प्रेजेंट मैम। मंतशा प्रेजेंट मैम। खुशबू प्रेजेंट। अब मेरे को वो बच्चे नाम बता दो अपना जिन जिन का अभी तक नहीं बुलाना। अरे मैम मेरा नहीं आया। नाम बताओ। मैम साहिल नाम है। क्या नाम है बेटा? साहिल खान। साहिल यस मैम। वेट चेक करती हूँ। आप क्लासेस में रेगुलर हो? हाँ मैम। आपका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं ऐड कर लेती हूँ एक सेकेंड। आप पहली क्लासेस में नहीं आए हो आई गेस कभी? मैम आया था। अटेंडेंस में जैसे नहीं है फिर नाम? मैम दो तीन दिन से नहीं आ रहा था ना। और कोई है ऐसा? मैम सिंसी। क्या बेटा? सिंसी। पिंकी लास्ट क्लास में नहीं आई थी? नो मैम लास्ट क्लास में कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए एब्सेंट होना पड़ा। बेटा तो टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। यस मैम। तो इन्फॉर्म किया करो बेटा। चिंकी के अलावा और कौन है? नाम बताओ जल्दी जल्दी। मैम मेरा भी नहीं लियो। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे मैंने उनका नाम नहीं लिया किसी का।
ये सब लिखना और बनाना है डायग्राम? नहीं नहीं ये नहीं बनाना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैम। दक्ष का लगा दिया, दक्ष का लगा दिया। मैम क्लास ओवर हो गई क्या? हाँ क्लास ओवर है। हाँ जिसका अटेंडेंस हो गया वो लीव कर सकते हैं, जिसका अटेंडेंस नहीं हुआ वो यहीं रहेंगे। तुम्हें एक डाउट पूछना है। एक सेकंड बेटा, बस अटेंडेंस का फिनिश करके फिर डाउट्स ले। अंशिका शर्मा और चिंकी, शिका फ्राइडे फ्राइडे क्लास में नहीं आए थे, सैटरडे बेटा बहुत एब्सेंट है आपकी, अंशिका और चिंकी दोनों की। इतनी एब्सेंट चलेंगी ना तो आप लोगों को जब स्टडी मटेरियल मिलेगा ना उसमें प्रॉब्लम होगी। हुस्नवाज प्रेजेंट, हुस्नवाज लास्ट क्लास में नहीं आए थे? मैम आया था। ठीक है, और कौन है? सिमरन भी नहीं है, शुभम खुशवा ये भी कभी नहीं आता, निक्ष कभी नहीं आती, गुनतीज पहले आती थी, सैजल भी नहीं आती है, आयुषे मिस्टा है, गुनिका, गुनिका है कोई क्लास में? जतिन, दिशा यादव, समीर अहमद, रिशु कुमार ये भी नहीं आता है, रुचि अग्रवाल, जैनब नूर, हरीबा, अर्चना पंडित, अर्चना भी आती है कभी कभी आती है, रिया, रिया तो प्रेजेंट है, नित्या भी नहीं आ रही है, विवेक कुमार गुप्ता ये भी नहीं आ रहा है, जुनेद भी नहीं है, बता बेटा। मैम जैसे एसिमेट्री का कोई दूसरा नेम नहीं है, जैसे मतलब बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री का एसिमेट्री नेम है। एग्जैक्टली उसका एसिमेट्री है। ओके मैम आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी? अटेंडेंस लगा दी। ओके मैम।